हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभा क्रिएशंस। आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत अच्छा डिज़ाइन लाई हूँ। ये डिज़ाइन लेडीज़ कार्डिगन में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में बहुत सुंदर लगता है। इसे आप जेंट्स स्वेटर में भी बना सकते हैं। देखिए, डिज़ाइन 6 फंदों का है, 1 2 3 4 5 6। और ये डिज़ाइन जो है चेंज होता रहता है। बैक साइड में पूरा उल्टा उल्टा बुनना है, तो हमारे बिगनर्स भी इसे बड़े आसानी से बुन सकते हैं। तो आइए इस डिज़ाइन को बनाते हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो फ्रंट साइड 6 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 2 3 4 5 6। इसके बाद 6 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर हम 6 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। और इसी तरह से 6 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे बुन के रो कंप्लीट करते हैं। सेकंड रो बैक साइड हम सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनते हैं और इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। थर्ड रो फ्रंट साइड फिर से पहले की ही तरह हम डिज़ाइन को फॉलो करेंगे और 6 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 3 4 5 6। 6 फंदे उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। और इसी तरह से इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे, 6 फंदे सीधे, 6 उल्टे और 6 सीधे बुनकर। फोर्थ रो बैक साइड पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे और इसे कंप्लीट करते हैं। फिफ्थ रो फ्रंट साइड, जो ये सीधे वाले फंदे हैं इनको हम सिंपल सीधा सीधा बुनते हैं, 2 3 4 5 6। और जो ये उल्टे फंदे हैं, 6 उल्टे फंदे, इसमें देखिए हम 2 फंदे पहले सीधा बुनेंगे और इन 2 फंदों में देखिए इस एक फंदे का हम 3 फंदा बनाएंगे, 1 2 और 3। इन फंदों को थोड़ा ढीले हाथ से बनाएंगे, इसमें भी 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और 3। बीच के फंदों में हमने 3 3 फंदे बना दिए हैं। इस 2 फंदों को सीधा बुनेंगे और बीच के ये जो 6 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो ये 6 उल्टे फंदे हैं इनको फ्रंट साइड से पहले हम ये 2 फंदों को सीधा बुनते हैं। बीच के इन 2 फंदों में देखिए इस एक फंदे का हम इस तरह से 3 फंदा बनाएंगे, इसमें भी हम एक फंदे का 3 फंदा बनाएंगे और बाकी इन फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई है। 6th रो बैक साइड, ये फंदे उल्टा उल्टा बुनते हैं, देखिए 3 4 5 6 7 और 8। और जो ये बीच के फंदे हैं इनको हम स्किप कर देंगे इस तरह से, इनको बुनना नहीं है, इन फंदों को भी नहीं बुनेंगे और बाकी फंदों को हम बुनेंगे। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच के फंदों को उल्टा बुनेंगे और जो ये फंदे हैं इनको हम इस तरह से स्किप कर देंगे। और बाकी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनते हैं।
ये सिक्स रो बैक साइड कंप्लीट हो गई है। सेवेंथ रो फ्रंट साइड, इसमें आप देखिए ये छह फंदे हम सीधा बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इन तीन फंदों को हम इधर की साइड लाएंगे और इनका हम एक फंदा बुनेंगे। तो इसके लिए आप देखिए, इसके लिए हम इस तरह से करते हैं, पहले इनकी पोजीशन को हम इस तरह से चेंज कर देते हैं। और इन तीन फंदों का हम एक फंदा बना देते हैं इस तरह से, बीच के दो फंदों को बुनेंगे। इसके बाद देखिए इन तीन फंदों को इधर ले जाएंगे, दो फंदों को हम बैक साइड से देखिए इस तरह से, और इन तीन फंदों का देखिए पहले दो फंदा बुन देंगे, फिर इन तीन फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद छह फंदे हम सीधा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ। इसके बाद देखिए जो तीन फंदे हैं इनको हम आगे की साइड से लाते हैं, इनकी पोजीशन को इस तरह से चेंज करते हैं। और देखिए तीन फंदों का एक फंदा करते हैं, दो फंदा सिंपल बुनते हैं और इन दो फंदों को बैक साइड से लेते हुए इन तीन फंदों को फ्रंट साइड से पोजीशन चेंज कर देते हैं। पहले दो फंदे बुनते हैं, देखिए इन तीन फंदों को हम इस तरह से तीन फंदों का एक इस तरह से, बाकी फंदे हम सीधा बुनते हैं। ये सेवेंथ रो कंप्लीट हो गया है। एट्थ रो बैक साइड, और सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। और फ्रेंड्स, आप इसके बाद देखेंगे कि अब जो है ये डिज़ाइन इधर आ जाएगा और इसके ऊपर प्लेन आ जाएगा, जैसे हमने फ्रंट जैसे हमने पहली वाली सिलाई में बुना था। ये सीधे फंदे, इन सीधे फंदों के ऊपर ये उल्टे फंदे आ जाएंगे, उल्टे फंदों के ऊपर सीधा फंदा आ जाएगा, और इसी तरह से ये डिज़ाइन आगे बढ़ता रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।